हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो ऑल ओवर टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो हो सकती है बहुत इंटरेस्टिंग, तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। जी हाँ, आज हो सकता है सलमान खान को 2 साल की जेल। जी हाँ, ये 4 लोग तो बच गए पर सलमान खान गए हैं 5। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज तक की कुछ वीडियो की क्लिप। राज फैसले की सुबह है टाइगर के लिए, यानी सलमान देव कुमार खत्री और उनके वकील हस्तीमल सारस्वत कोर्ट पहुंच चुके हैं। फैसला पहले सुरक्षित रख लिया गया था और अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे के आसपास माना जा रहा है काले हिरण के चौथे मामले में, चिंकारा से लेकर काला हिरण, 4 ऐसे कुल मामले थे जिसमें 3 मामले निपट गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने, निचली अदालत ने तो उन्हें दोषी ठहराया था, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। अब ये चौथा मामला है, 2 काले हिरण के शिकार का मामला है जिसमें टाइगर पर फैसला आना है। जज देव कुमार खत्री भी अदालत पहुंच चुके हैं, वकील भी सलमान खान के पहुंच चुके हैं, तमाम अन्य सितारे जिसमें सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू शामिल हैं, वो सभी पहुंच चुके हैं। इस बीच अपडेट आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में कोर्ट के लिए सलमान खान रवाना होंगे। कयामत की रात बीती है, परेशानियों का सबब है सलमान खान की कैदे। लगातार कई बरस, 20 साल सोचिए, 2 दशक इन केसेस के साथ सलमान खान की जिंदगी बीती है। अक्सर जोधपुर जाना पड़ता है इन केसों के लिए और ऐसे ही एक केस में आज फैसले की घड़ी है। सीधे लिए चलते हैं आपको, मीनाक्षी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जोधपुर कोर्ट के बाहर से जुड़ रही हैं। मीनाक्षी, जहां से शुरुआत की थी, कयामत की रात और फैसले की सुबह, टाइगर के लिए आज का दिन यह तय करेगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है, पर अभी तो कुछ डिस्कस नहीं हुआ कि इन्हें होती है सज़ा या नहीं होती है। वैसे तो 6 साल की सज़ा होने वाली है, पर देखते हैं कि सज़ा कितने साल की होती है। और आई होप कि मैं भी सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ऐसा ना हो तो बहुत ही अच्छा होगा, पर चलिए देखते हैं होता क्या है। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सायोनारा। आई एम सैंग आउट।